का स्पेशल क्लास का कैमरा मतलब स्पेशल क्लास का कैमरा काम नहीं कर रहा। ठीक है, स्पेशल क्लास का कैमरा चेक करो। हाँ हाँ एक सेकंड। अच्छा ये आपने ये ऑन नहीं किया इसलिए। ठीक है सर। हेलो। आ रहा है स्पेशल क्लास में? हाँ हाँ आ रहा आ रहा आ रहा। ठीक है। इस ऑडियो वीडियो क्लियर? अब एक बार चेक कर लेना स्पेशल क्लास और यूट्यूब दोनों पे, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लियर है? स्पेशल क्लास में भी क्लियर है? इन स्पेशल क्लास ऑल्सो इट इज क्लियर? हाँ दोनों ही क्लियर है, ऑडियो वीडियो दोनों जगह क्लियर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो विल स्टार्ट, यहां पर भी पूछ लेते हैं। यहां पर भी क्लियर है, हियर ऑल्सो इट इज क्लियर। सब जगह क्लियर है। सो विल स्टार्ट द डिस्कशन, स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। तो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया था सर्वेइंग। सर्वेइंग में हम पहला यूनिट कर रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग। इन फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग वी हैव स्टार्टेड द टाइप ऑफ सर्वेइंग। दो तरह की सर्वेइंग देखी हमने, प्लेन सर्वेइंग देन जियोडेटिक सर्वेइंग। देन वी ऑल्सो क्लासीफाइड द सर्वेइंग ऑन डिफरेंट आस्पेक्ट्स, की इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया है, देन वट द पर्पज ऑफ सर्वे, वट द नेचर ऑफ सर्वे, नेचर क्या है सर्वे का और पर्पज क्या है सर्वे का। इस बिहाफ पे हमने कल क्लासिफिकेशन कर ली थी सर्वेइंग की। अब उसी के आगे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। फ्लैट 25% ऑफ प्लस फ्री एक्स्ट्रा मंथ्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर ऑल द फाउंडेशन बैचेस ऑफ गेट, टीएससी, पीएसयू एंड 2024। बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 16 जून से। इन दिस आई विल बी स्टार्टिंग विद द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग और साथ में इरीगेशन भी स्टार्ट हो रही है। देन अन अकेडमी इज ऑल्सो लॉन्चिंग द वर्कशॉप ऑफ कैरियर प्लानिंग विद कॉलेज। In this, you will be getting topic wise 10 year PYQ with detailed solution. You will be getting a kit to crack the interviews. आपको voice interaction भी मिल जाएगी अपने favorite educators के साथ. Moreover, at the end of the workshop, you will be getting a certificate to attend the workshop also. So if you want, you can enroll for this. अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए भी enroll कर सकते हैं. Then gate result was being announced in the month of March. Most of the toppers are from plus platform only. List of the toppers is being published. देन बैच के बारे में बताई दिया आपको, 16 तारीख को प्लस पे बैच स्टार्ट हो रहा है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इरीगेशन। सो आई विल बी स्टार्टिंग विद द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जो लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, फॉर देम बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। आपको प्रिंटेड बुक्स मिल जाएंगी सारे सब्जेक्ट्स की, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों। अप्रॉक्सीमेटली 19 बुक्स हैं। सो इफ यू वॉन्ट हार्ड कॉपी ऑफ द बुक्स, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। देन नो कॉस्ट EMI एंड 0% इंटरेस्ट ऑन लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल। इफ यू वॉन्ट टू गेट दी सब्सक्रिप्शन यूजिंग दीज फैसिलिटीज, दैट कैन ऑल्सो बी अवेल्ड। जो लोग ऑफलाइन में तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी नया बैच लॉन्च हो रहा है 19 जून को, इन विच आई विल बी स्टार्टिंग विद द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें मैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। जो एग्जिस्टिंग प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स है, फॉर देम 40% ऑफ इज अवेलेबल इन ऑफलाइन बैच। उनके लिए 40% ऑफ अवेलेबल है ऑफलाइन बैच के अंदर।
जो लोग एसएससी जेई स्टेट एई की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बैच स्टार्ट हुआ है. फॉर देम ऑल्सो द बैच इज ऑल्सो बीइंग स्टार्टेड. वहाँ पर स्टील स्ट्रक्चर स्टार्ट हुई है, वहाँ पर भी 25% ऑफ और फ्री मंथ्स अवेलेबल है. सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर एसएससी जेई और एई सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, आप उसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं. तो ये तो हमारे हो गए बेसिक अनाउंसमेंट्स. अब जाते हैं हम, कल कहाँ तक पहुँच गए थे? कल पहुँच गए थे मेरे ख्याल से फंडामेंटल्स भी कर लिए थे सर्वेइंग के. सो फंडामेंटल्स ऑफ द सर्वेइंग्स वर ऑल्सो बीइंग डिस्कस. तो मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉइंट था हमारा, दिस वॉज ये लास्ट पॉइंट, फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग. तो दो बेसिक फंडामेंटल बताए थे सर्वेइंग के आपको. टू ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ सर्वेइंग वर बीइंग डिस्कस. पहला, हमेशा जो भी एनालिसिस होगी वो कैसे होगी? वॉट एवर एनालिसिस विल बी कैरिंग आउट विल ऑलवेज बी फ्रॉम होल टू पार्ट. तो होल टू पार्ट का रीजन बताया था, इससे जो हमारे एरर है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, जो लोकलाइज एरर है वो इंक्रीज नहीं करते. लोकलाइज एरर आर नॉट एबल टू इंक्रीज. तो लोकलाइजेशन कर देते हो आप एरर की, आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है एरर्स की. नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी अगर एक पॉइंट को लोकेट करना है आपको, आपको मेजरमेंट कम से कम दो पॉइंट से लेनी पड़ेगी. यू हैव टू टेक दी मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट टू एस्टैब्लिश पॉइंट्स, यानी दो कंट्रोल पॉइंट से आपको मेजरमेंट लेनी पड़ेगी. इसके लिए आप चेन सर्वेइंग भी कर सकते हो, आप ऑफसेट मेथड भी यूज कर सकते हो, ट्रायंगुलेशन भी यूज कर सकते हो और ट्रैवर्सिंग भी यूज कर सकते हो. तो ये लास्ट पॉइंट था हमारे ट्रैवर्सिंग का, कि हमने एक डिस्टेंस मेजर करी यानी लीनियर मेजरमेंट करी, और एक हमने एंगुलर मेजरमेंट किया. सो वन इज लीनियर मेजरमेंट, द अदर इज एंगुलर मेजरमेंट. तो यहां तक की डिस्कशन हमने कल वाली क्लास में कर ली थी. अब इसके आगे बढ़ते हैं, वी विल कंटिन्यू विद दिस. इसके आगे बढ़े, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन. अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा प्लान एंड मैप. तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज प्लान एंड मैप. अब क्या होता है प्लान और मैप? अ प्लान और मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सम स्केल ऑफ द फीचर्स ऑन, नियर और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो भी फीचर्स हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस पे या अर्थ की सरफेस के नीचे, अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो किसी एक पर्टिकुलर स्केल पे, इसको हम टेक्निकली बोल देंगे प्लान या मैप. तो हिंदी में भी बता दिया, अंग्रेजी में भी बता दिया. सो अ प्लान इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू सम स्केल ऑफ द फीचर्स आइदर ऑन द अर्थ, बिलो द अर्थ और अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. इसको हम टेक्निकली प्लान या मैप बोल देते हैं. अब प्लान और मैप में डिफरेंस क्या है वो भी देखते हैं आगे, दैट विल डिस्कस. अब हमें पता है कि एक्चुअली अर्थ का सर्फेस कैसे है. इन एक्चुअल द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज वॉट, टेक्निकल नाम दिया था इसका, वॉट द टेक्निकल नेम गिवन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. तो हमें पता है एक्चुअल में जो अर्थ की सर्फेस है वो कैसी है, इट इज ओब्लेट स्फेरॉइड. अब क्योंकि एक्चुअल सरफेस ओब्लेट स्फेरॉइड है, आप जब प्लान या मैप बनाओगे वो तो कैसा होगा, वो तो प्लेन होगा. इसका मतलब यह है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्लान और मैप बना पाए बिना डिस्टॉर्शन के. सो वेन एवर द फीचर्स ऑफ द अर्थ विल बी शोन ऑन प्लान और मैप, इट विल ऑलवेज बी डिस्टॉर्टेड. वो हमेशा डिस्टॉर्टेड होगा. क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लान होगा वो तो कैसा होगा, प्लेन होगा, और हमारी अर्थ की सरफेस कैसी है, कर्व्ड है. सो देयर विल ऑलवेज बी डिस्टॉर्शन. तो हमेशा डिस्टॉर्शन आएगी. वो एक अलग बात है, जो डिस्टॉर्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होगा. कहने का मतलब है जो एरर है वो बहुत छोटी होगी, और वो एरर भी आपको पीछे बता रखी है, दैट एरर इज ऑल्सो बीइंग डिस्कस. हाउएवर ये एरर बढ़ जाएगी अगर मेरा एरिया किससे ज्यादा हो, अगर एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो. इतना बड़ा एरिया होता ही नहीं है. This much of the area is practically not available. तो जो error होती है वो comparatively बहुत छोटी होती है. पर अगर आपसे सवाल पूछे क्या अगर मैं plan और map बनाऊं ये exactly features बताएगा आपको, नहीं, distortion आएगी. There will be some distortion. क्योंकि plan कैसा है, plane है, और earth की surface कैसी है, curved है. चलो ये बात भी समझ में आती है. अब plan और map में क्या फर्क है? Plan और map में फर्क होता है उसकी scale का. The only difference between plan and map is scale. अगर आपके representation की scale छोटी है, अगर आपके रिप्रेजेंटेशन की स्केल छोटी है, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट, इसको हम बोल देंगे मैप. जैसे मैप किसका है, इंडिया का मैप है, तो स्केल क्या है उसकी, कंपैरेटिवली छोटी है, स्केल इज कंपैरेटिवली स्मॉलर. पर अगर प्लान बनाना है तो स्केल कंपैरेटिवली क्या है, बड़ी है. अब प्लान किसका है, आपके घर पे जो फाउंडेशन वर्क है उसका प्लान है, तो फाउंडेशन का प्लान है, वहां पर स्केल कंपैरेटिवली क्या है, देयर स्केल इज कंपैरेटिवली लार्ज. पर अगर स्केल छोटी है इसको मैं क्या बोल दूंगा, मैप बोल दूंगा. अब यहां पे एक नई चीज आई कि सर ये स्केल क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज स्केल. स्केल को भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, आई डिस्कस अबाउट दी स्केल, कि स्केल बड़ी क्या होती है, स्केल छोटी क्या होती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है. पर अभी के लिए अगर हमारी स्केल छोटी है, हम इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोल देंगे, इफ द स्केल इज स्मॉलर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर्स ऑन, बिलो और अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज मैप.
अगर हमारी स्केल कंपैरेटिवली बड़ी है, हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको प्लान बोल देंगे। क्लियर है चीज? चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, मैप के ऊपर आप वर्टिकल डिस्टेंस भी शो कर सकते हो। इन केस ऑफ द मैप एक एडवांटेज है, एक एडवांटेज है, मैप के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंस भी बताई जा सकती है। जबकि है तो ये क्या, है तो ये क्या, प्लान है, पर आप इसके ऊपर वर्टिकल डिस्टेंसेस बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्टूर, और कॉन्टूर के ऊपर हमारा एक पूरा चैप्टर है। तो आपको प्लान में कॉन्टूर नहीं मिलेंगे, पर मैप में जरूर कॉन्टूर मिल जाएंगे, क्योंकि कॉन्टूर बनाने के लिए स्केल कंपैरेटिवली क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म द कॉन्टूर द स्केल शुड बी कंपैरेटिवली स्मॉलर। तो एक एडेड एडवांटेज है कि मैप के ऊपर वर्टिकल डिस्टेंसेज भी बताई जा सकती है। तो दोनों सेम चीजें होती है, दोनों में स्केल का फर्क होता है, पर मैप में आपको थोड़ी जानकारी और मिल जाएगी किसके बारे में, वर्टिकल डिस्टेंसेज के बारे में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस निकल के आ गया प्लान और मैप के अंदर। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड मैप। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये डिस्टेंस क्या है फिर? तो एक कॉमन डाउट आता है कि सर ये डिस्टेंस और एलिवेशन में क्या फर्क होता है। आगे बहुत बार यूज करेंगे हम इसको, एक टर्म में यूज करूंगा डिस्टेंस, एक टर्म में यूज करूंगा एलिवेशन। तो आई विल बी यूजिंग दीज टर्म्स, डिस्टेंस भी बोला जाएगा, एलिवेशन भी बोला जाएगा। आई मीन दोनों में फर्क क्या होता है? लीनियर मेजरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी टर्म्ड एज डिस्टेंस। अगर आप लीनियर मेजरमेंट करो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, इसको हम डिस्टेंस बोल देंगे। एंड लीनियर मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन विल बी टर्म्ड एज एलिवेशन। अगर आप वर्टिकल प्लेन में लीनियर मेजरमेंट करो, इसे क्या बोलेंगे? एलिवेशन बोलेंगे। अगर आप लीनियर मेजरमेंट करो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, डिस्टेंस। अगर आप लीनियर मेजरमेंट करो वर्टिकल प्लेन में, इसको हम बोल देंगे एलिवेशन। तो दोनों है क्या? दोनों लीनियर मेजरमेंट है, पर अलग अलग प्लेन के अंदर। हॉरिजॉन्टल प्लेन में डिस्टेंस, वर्टिकल प्लेन में एलिवेशन। क्लियर है चीज? चलो ये बात भी समझ में आती है। इस बात को समझने के लिए एक एग्जांपल है आपके सामने, टू एनालाइज दिस पॉइंट, एक एग्जांपल भी है। अब क्या एग्जांपल है जरा चेक करो। तो भाई एक बात तो खत्म होने दे दे भाई, हैमर ऑफ थॉर। एल्टीट्यूड कब कहते हैं? जब जरूरत पड़ेगी बताने की, खुद ही बता दूंगा। तुम्हारे दिमाग में तो यह भी नहीं आया होगा कि डिस्टेंस एलिवेशन में क्या डिफरेंस है, बता दिया ना खुद ही। तो एल्टीट्यूड की जब जरूरत पड़ेगी खुद ही बता दूंगा मैं। तो जब सीखने आए हो तो सीखो ना बैठ के, क्यों अपना भी टाइम बर्बाद करते हो, मेरा भी टाइम बर्बाद करते हो बिना मतलब के। सो हम बात कर रहे थे डिस्टेंस और एलिवेशन की, वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस एंड एलिवेशन। उस बात को समझने के लिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तीनों उसके आर्म्स की वैल्यू लिखी हुई है। कितनी वैल्यू है? लेट सपोज ये 3 मीटर मान लो, ये 4 मीटर मान लो, ये 5 मीटर मान लो। सिंपल सी कैलकुलेशन ले ली, अ सिंपल कैलकुलेशन इज बीइंग टेकन। अब जरा चेक करो, डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है लीनियर मेजरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अब मैं बात कर रहा हूं डिस्टेंसेस की। तो इफ आई टॉक अबाउट पीआर, इसकी लीनियर मेजरमेंट करोगे अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, कितनी निकल के आएगी? यहां पर जो पीआर है, यहां पर जो पीआर है, अगर मैं इसकी लीनियर मेजरमेंट करूं हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? बोर्ड पे डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम इज देयर ऑन द बोर्ड, इट विल कम आउट टू बी 4 मीटर। अगर मैं बात करूं QR की, इफ आई टॉक अबाउट दी आर्म QR, अगर हम इसकी लीनियर मेजरमेंट करें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? डिस्टेंस विल कम आउट टू बी 0। तो QR की डिस्टेंस कितनी है? 0 है। उसी तरीके से इफ यू कैरी आउट दी लीनियर मेजरमेंट ऑफ दी आर्म PQ, अगर PQ आर्म की आप लीनियर मेजरमेंट करो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, यानी PQ का प्रोजेक्शन क्या होगा? PR, अगेन इट विल कम आउट टू बी हाउ मच? दोबारा ये 4 मीटर निकल के आ जाएगा। So again it will come out to be 4 meter. उसी तरीके से अब मेरे को इन तीनों आर्म की एलिवेशन निकालनी है, I have to find the elevation of these 3 arms. तो PR का मतलब क्या है? PR का मतलब है linear measurement in vertical plane. इसकी vertical plane में कितनी measurement है? 0. So linear measurement in the vertical plane for the arm PR is 0. तो इसका elevation कितना हो गया? 0 हो गया. अगर मैं बात करूं QR की, linear measurement in the vertical plane, इसकी vertical plane में linear measurement कितनी आ रही है? 3 meter. तो लिख दिया 3 मीटर। उसी तरीके से PQ की लीनियर मेजरमेंट इन दी वर्टिकल प्लेन कितना निकल के आएगा? वर्टिकल प्लेन में 3 मीटर निकल के आएगा। सो इट विल कम आउट टू बी 3 मीटर ओनली। तो डिस्टेंस और एलिवेशन में क्या फर्क है वो यहां पे एक्सप्लेन कर दिया, एक एग्जांपल भी ले लिया, वन एग्जांपल इज ऑल्सो टेकन। सो इफ यू कैरी आउट दी लीनियर मेजरमेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, वील से इट इज डिस्टेंस। इफ यू कैरी आउट दी लीनियर मेजरमेंट इन वर्टिकल प्लेन, इट विल बी टर्म्ड एज एलिवेशन, उसको हम एलिवेशन बोल देंगे। पीछे हमने ये डिस्कस किया था, इन द प्रीवियस केस वी हैव डिस्कस्ड, कि
मैप और प्लान में फर्क क्या होता है? मैप और प्लान में फर्क होता है स्केल का। अगर स्केल छोटी है हम इसको बोल देंगे मैप, अगर स्केल बड़ी है हम इसको बोल देंगे प्लान, इट विल बी टर्म्ड एज प्लान। अब बात आके रुकती है कि ये स्केल क्या होती है। नाउ द पॉइंट कम्स, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज स्केल। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन बिकम्स स्केल। अब क्या है ये स्केल, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर खूब सारे सवाल बनते हैं। मोर ओवर स्केल की जो एप्लीकेशन है आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आएगी। अब क्या होती है स्केल, इसको समझते हैं। स्केल इज अ फिक्स्ड रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन प्लान और मैप बेयर्स विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्केल एक फिक्स्ड रेशियो है जो हर एक दूरी प्लान या मैप के ऊपर रखती है विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट आई टेक एन एग्जाम्पल। लेट अस सपोज एक लाइन है ग्राउंड के ऊपर, देयर इज अ लाइन ऑन द ग्राउंड ए बी। तो ए बी लाइन किसके ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। लेट अस सपोज ये 100 मीटर की है, दिस इज ऑफ 100 मीटर। मैंने क्या बनाया, प्लान बनाया। प्लान पे मैंने यही लाइन बनाई ए बी, ऑन द प्लान सेम लाइन इज ड्रॉन। जब प्लान के ऊपर मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन बनाई एक सेंटीमीटर की, दिस लाइन इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब स्केल क्या होती है, स्केल इज अ फिक्स्ड रेशियो दैट एवरी लाइन और एवरी मेजरमेंट, कुछ भी बोल सकते हो, और एवरी डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब क्या था, अभी पीछे बताया था, लीनियर मेजरमेंट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज डिस्टेंस। तो स्केल इज अ फिक्स्ड रेशियो दैट एवरी डिस्टेंस ऑन द प्लान बेयर्स विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। तो इस प्लान की स्केल क्या हो गई, इस प्लान की अगर मैं स्केल लिखूं, चाहे स्केल लिख दो चाहे एस लिख दो, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। और ये रेशियो फिक्स रहेगी हर एक किसकी, ये रेशियो फिक्स रहेगी हर एक डिस्टेंस की। फॉर एवरी डिस्टेंस दिस रेशियो विल बी फिक्स। तो हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर हो गया। दिस इज द स्केल। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पे कुछ भी। अब हम वापस पीछे जाते हैं। हमने ये बोला था कि मैप और प्लान में फर्क क्या है। मैप और प्लान में फर्क ये था कि अगर स्केल क्या हो, अगर स्केल छोटी हो, स्केल छोटी कब होगी, स्केल छोटी कब होगी, स्केल छोटी है जैसे एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर। दूसरा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेट अस सपोज 10 किलोमीटर। इनमें से कौन सी स्केल छोटी है, कौन सी स्केल बड़ी है, जरा बताना। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,000 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। इन दोनों में से कौन सी स्केल छोटी है, विच ऑफ दी स्केल इज कंपेरेटिवली स्मॉलर। तो जो पहली वाली स्केल है वो छोटी है, दूसरी वाली स्केल बड़ी है। क्यों, इस स्केल को मैं और कैसे लिख सकता हूं, हाउ एल्स दिस स्केल कैन बी रिटन। इस स्केल को हम लिख सकते हैं 1/10^4। ये है सेंटीमीटर में, ये है किलोमीटर में। तो ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है, और दूसरी वाली स्केल है 1 सेंटीमीटर टू 10 किलोमीटर। तो पहली वाली स्केल कंपैरेटिवली बहुत छोटी है इन कंपैरिजन टू दी सेकंड स्केल। क्लियर है चीज। तो अगर पहली वाली स्केल छोटी है, जरा चेक करो इसमें ज्यादा एरिया कवर होगा या दूसरी वाली स्केल में ज्यादा एरिया कवर होगा। वेयर मोर एरिया विल बी कवर्ड when the scale is comparatively smaller, when the scale is comparatively bigger। पहली वाली स्केल के अंदर आप ज्यादा एरिया कवर कर लोगे। तो जैसे मैंने बताया इंडिया का मैप, ज्यादा एरिया कवर करना है, मोर एरिया इज टू बी कवर्ड, मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। और अगर मैप बना रहा हूं, मुझे उसमें स्केल क्या रखनी पड़ेगी, मुझे उसमें स्केल छोटी रखनी पड़ेगी। तो अगर स्केल छोटी होती है हम उसको मैप बोल देते हैं, स्केल अगर बड़ी होती है हम उसको प्लान बोल देते हैं। क्लियर है, छोटी स्केल में ज्यादा एरिया कवर होगा, बिल्कुल सही बात है, बड़ी स्केल में कम एरिया कवर होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो छोटी और बड़ी स्केल का क्या सिग्निफिकेंस है वो यहां पे आपको समझा दिया। तो स्केल क्या होती है, स्केल एक फिक्स्ड रेशियो होती है जो हर एक डिस्टेंस रखती है प्लान या मैप के ऊपर विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस। खूब तरह की स्केल है हमारे पास, देर आर सेवरल टाइप ऑफ स्केल्स विच आर अवेलेबल, एक एक करके उठाते हैं। द फर्स्ट ऑफ द स्केल इज नोन एज इंजीनियर स्केल। अब इंजीनियर स्केल क्या होती है, इंजीनियर स्केल वो स्केल होती है जिसमें 1 सेंटीमीटर प्लान के ऊपर विल रिप्रेजेंट सम होल नंबर
ऑफ द मीटर्स ऑन द ग्राउंड. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंजीनियर स्केल वो स्केल है जिसमें एक सेंटीमीटर प्लेन के ऊपर, तो वन सेंटीमीटर ऑन प्लेन विल रिप्रेजेंट व्हाट, विल रिप्रेजेंट सम होल नंबर ऑफ मीटर एक्स, सो होल नंबर ऑफ मीटर ऑन व्हाट, ऑन ग्राउंड. अब ये चीज फिक्स है, ध्यान रखना. तो प्लेन के ऊपर आपने जो डिस्टेंस है वो किसमें नापी, सेंटीमीटर में नापी, और ग्राउंड के ऊपर जो दूरी है वो आपने किसमें नापी, मीटर में नापी. और जो हमारा एक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, वो हमारा होल नंबर होना चाहिए. एनी वैल्यू इन एनी यूनिट, नहीं भैया प्रशांत, नॉट एनी वैल्यू इन एनी यूनिट, इट कैन बी एनी वैल्यू बट यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट मीटर ही होना चाहिए. तो एनी वैल्यू इन एनी यूनिट में मत डाल देना, वैल्यू कैन बी एनी बट यूनिट शुड ऑलवेज बी मीटर, यूनिट हमेशा मीटर होना चाहिए. तो ये चीज भी फिक्स है, ये चीज भी फिक्स है, बस वेरिएबल क्या है, एक्स है, द ओनली वेरिएबल इज एक्स. क्लियर है पूरी कहानी. इंजीनियर स्केल छोटी स्केल है, क्यों भाई, स्केल छोटी है या बड़ी है वो तो वैल्यू से डिसाइड होता है, वो यूनिट से थोड़ी डिसाइड होता है. ये अपना कंक्लूजन निकाल लिया भैया, स्केल छोटी है या बड़ी है वो तो वैल्यू डिसाइड करती है ना, वो वैल्यू की यूनिट थोड़ी डिसाइड करती है. इट इज नॉट बीइंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिट ऑफ द वैल्यू, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू. चलो आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट ऑफ द स्केल इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. अगली जो स्केल अवेलेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. अब ये कौन सी स्केल होती है, इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वन यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द प्लेन विल रिप्रेजेंट सम सेम यूनिट ऑफ लेंथ ऑन द ग्राउंड. कहने का मतलब है एक यूनिट किसके ऊपर, एक यूनिट किसके ऊपर, प्लेन के ऊपर. तो एक यूनिट प्लेन के ऊपर विल रिप्रेजेंट व्हाट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, विल रिप्रेजेंट सम यूनिट्स ऑन ग्राउंड. अब ध्यान रखना ये वन और एक्स की, ये वन और एक्स की दोनों जगह क्या सेम होनी चाहिए, वन और एक्स की दोनों जगह यूनिट सेम होनी चाहिए, इट शुड बी सेम. अगर आप ये सेंटीमीटर बोल रहे हो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा. अगर आप यहां पे मीटर बोल रहे हो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. अगर आप यहां पे किलोमीटर बोल रहे हो तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा. तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. सो इन रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वन यूनिट ऑफ एनी लेंथ, कोई सी भी लेंथ हो, ऑन द प्लेन विल रिप्रेजेंट द सेम यूनिट ऑफ द लेंथ ऑन द ग्राउंड. क्लियर है चीज. जैसे एग्जांपल लिखता हूं, जैसे इफ आई राइट द एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ये जो हमारी छोटी स्केल थी, जो एग्जांपल में छोटी स्केल थी, दिस इज एन एग्जांपल, ये एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल में जो छोटी स्केल है क्या ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के फॉर्म में है? नहीं. क्यों? क्योंकि दोनों के यूनिट क्या है, अलग अलग है, यूनिट फॉर बोथ इज डिफरेंट, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए. तो अगर ये एक सेंटीमीटर है, नीचे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 10^4 × 10^4, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कितना आएगा, 10^4 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कब कन्वर्ट हुआ, 1/what 10^8. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कब बना, 1/what 10^8. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में जो यूनिट है लेंथ की, वो प्लेन के ऊपर और ग्राउंड के ऊपर दोनों जगह सेम होनी चाहिए, इट शुड बी सेम. 10^9 कैसे आ रहा है भाई, 10^9, हाउ कम इट इज 10^9, 10^9 है क्या, किलोमीटर मीटर, हाँ 10^9, तो 10^9, सो दिस इज 10^5, तो 5 और 4 9 हो गया. चलो क्लियर है यहां तक. चलिए ऊपर और बिलो सेम यूनिट, हाँ ऊपर और बिलो सेम यूनिट होने चाहिए, यूनिट किसके, डिस्टेंस के, दोनों जगह डिस्टेंस के यूनिट सेम होने चाहिए, तब उस स्केल को हम क्या बोल देंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोल देंगे. क्लियर है चीज. चलो ये बात भी समझ में आती है. अच्छा पीछे एक जना सवाल बोल रहा था, तो इंजीनियर स्केल बड़ी होती है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ा होता है, आउट ऑफ दीज टू स्केल विच इज कंपैरेटिवली बिगर. तो इंजीनियरिंग स्केल बड़ी है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ा है, जरा देखो कितनी बार समझ में आई है. हुज वैल्यू इज मोर, इंजीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. कैप्टन जैक स्पैरो, बिल्कुल सही बात है, कांट से कंपेयर ही नहीं कर सकते भाई, जब क्योंकि कंपैरिजन तो किसके बिहाफ पे है, वैल्यू के बिहाफ पे, वैल्यू तो मैंने आपको दी नहीं, बिना वैल्यू के नहीं बता सकते, बिल्कुल सही बात है इंजीनियर प्रशांत,
एब्सोल्यूटली करेक्ट, इट डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू, ये डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, वैल्यू के ऊपर। तो पीछे एक जना बोल रहा था ये तो छोटी स्केल है, तो भैया छोटी और बड़ी स्केल कैसे बता दी थी आपने, छोटी और बड़ी स्केल तो हम बता ही नहीं सकते जब तक मुझे क्या नहीं पता, जब तक मुझे वैल्यू नहीं पता, क्लियर है चीज। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है इंजीनियर स्केल और रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दोनों के दोनों न्यूमेरिकल स्केल है, क्लियर है चीज, बोथ दी स्केल्स आर न्यूमेरिकल स्केल। देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए मैंने आपको, आई हैव गिवन यू न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो दोनों की दोनों स्केल कौन सी है, दोनों की दोनों स्केल हमारी न्यूमेरिकल स्केल है। तो अगर ये दोनों न्यूमेरिकल स्केल है, इसके अपोजिट कौन सी स्केल है हमारे पास, ग्राफिकल स्केल भी है, वी हैव द ग्राफिकल स्केल ऑल्सो अवेलेबल। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ स्केल विच इज अवेलेबल इज टर्म्ड एज ग्राफिकल स्केल। अब आप ये बोलोगे सर जब न्यूमेरिकल स्केल है तो फिर ग्राफिकल स्केल की जरूरत क्या पड़ी, इसको भी हम लॉजिकली समझते हैं, दिस ऑल्सो विल अंडरस्टैंड लॉजिकली। लेट अस सपोज हमारे पास एक लाइन है ग्राउंड के ऊपर ए बी, देयर इज अ लाइन ऑन द ग्राउंड ए बी, ये कितनी है 100 मीटर की, इट इज ऑफ 100 मीटर। हमने इसका क्या बनाया, प्लान बनाया, तो एक पेपर लिया, पेपर के उसका प्लान बनाया और प्लान पे ये लाइन है हमारी ए बी, छोटी ए बी कितनी 1 सेंटीमीटर, ये लाइन कितनी बनाई 1 सेंटीमीटर, तो स्केल क्या है हमारी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्केल, तो ये स्केल कितनी है हमारी, व्हाट इज द स्केल, हमारी स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 100 मीटर, ये हमारी स्केल है, दिस इज द स्केल, तो 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर है, ये स्केल है। लेट अस सपोज टाइम के साथ विद टाइम हमारा ये जो प्लान है ये श्रिंक कर जाता है, विद टाइम योर प्लान श्रिंक, टाइम के साथ प्लान श्रिंक कर गया, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पेपर ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया तो टाइम के साथ ये एक्सपेंड भी कर सकता है, तो वो डिपेंड करेगा कि इसने मॉइस्चर लूज किया है या इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो कहने का मतलब है ये लाइन बड़ी भी हो सकती है और ये लाइन छोटी भी हो सकती है, ये लाइन बड़ी भी हो सकती है और ये लाइन क्या हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। लेट सपोज हमारा जो पेपर है वो श्रिंक कर गया, पेपर है श्रंक्ड, अब ये सिचुएशन है हमारी ए बी, अब हमारी ये सिचुएशन है ए बी, ये श्रिंक कर गई, ये श्रिंक कर गई, सो दिस हैज श्रंक, तो ये श्रिंक कर गई, आपने प्लान के ऊपर ये लाइन नापी, जब आपने प्लान के ऊपर ये लाइन नापी ये निकल के आ रही है 0.8 सेंटीमीटर, सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच 0.8 सेंटीमीटर, हमारी स्केल क्या थी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। तो अब आप बोलोगे कि ग्राउंड पे जो लाइन ए बी है उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, तो हमारा जो प्लान है वो श्रिंक कर गया, द प्लान हैज श्रंक, नाउ ए बी मेजर्स 0.8 सेंटीमीटर। अब अगर मैं ये पूछूं कि ग्राउंड पे जो ए बी लाइन थी उसकी दूरी इस प्लान के हिसाब से कितनी है, इस प्लान के हिसाब से हो जाएगी ए बी इक्वल्स टू 80 मीटर, विच इज इनकरेक्ट, जो गलत है। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है कि अगर हमारा प्लान श्रिंक कर जाए, अगर हमारा प्लान एक्सपेंड कर जाए तो आप गलत दूरी नापने लग जाओगे, किसके ऊपर, आप गलत दूरी नापने लग जाओगे फील्ड में, क्लियर है चीज। तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो इस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्राफिकल स्केल यूज करते हैं। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस एरर वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, स्केल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इन ऑर्डर टू मॉडिफाई दिस और इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस एरर वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, वी टेक द हेल्प ऑफ ग्राफिकल स्केल। कंप्यूटर में बना लीजिए, श्रिंकेज नहीं होगी, तो फील्ड में जब काम करने जाओगे कंप्यूटर साथ में लेके जाओगे, तो जब फील्ड में काम करने जाओगे तो उस कंप्यूटर को साथ में लेके जाओगे, ऐसा ही होगा, कंप्यूटर साथ में लेके जाओगे, सीपीयू भी साथ में लेके जाओगे, और उसमें जो पावर चाहिए होगी वो कहां लगा के निकालोगे, उसको पावर चाहिए होगी तो उसकी तार कहां लगाओगे, फिर कहां से पावर आएगी उसमें, हाँ लैपटॉप भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्लान में ही ग्राफ रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लान में ही ग्राफ रिप्रेजेंट कर देंगे, वैसे आजकल मोबाइल में भी हो जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, मोबाइल में भी हो जाता है, स्क्रीन पर मेजरमेंट करेंगे, हाँ स्क्रीन पे मेजरमेंट करेंगे, तो मेजरमेंट स्क्रीन पे करोगे, यू विल डू द मेजरमेंट ऑन द स्क्रीन। तो मोबाइल में मेरे को क्या करनी है, बाउंड्री लाइन बनानी है मेरे को 3 किलोमीटर लंबी, तो मोबाइल में बैठ के नापोगे, आजकल तो मोबाइल भी आता है,
तो मोबाइल में बैठ के हम नापेंगे स्केल की मदद से कि बाउंड्री लाइन कितनी बड़ी आ रही है। चलो बहुत बढ़िया, चलो वापस आते हैं हम दोबारा ग्राफिकल स्केल पे, अगेन विल कम बैक टू द ग्राफिकल स्केल। सो इफ द प्लान और मैप, अगर प्लान और मैप इज यूज्ड आफ्टर फ्यू इयर्स, द न्यूमेरिकल स्केल मे नॉट गिव द एक्यूरेट रिजल्ट। अगर प्लान और मैप को आपने कुछ सालों बाद यूज किया तो जो न्यूमेरिकल स्केल है वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो पेपर है वो श्रिंक भी कर सकता है, हमारा जो पेपर है वो एक्सपेंड भी कर सकता है। इन सच सिचुएशन वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, वी टेक द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल स्केल। अब ग्राफिकल स्केल क्या होती है? ग्राफिकल स्केल वो स्केल होती है जो हम प्लान और मैप के ऊपर ही बना देते हैं। अगर ये हम प्लान और मैप के ऊपर ही बना देते हैं, अगर हमारा पेज श्रिंक हुआ, ये स्केल भी क्या कर जाएगी? ये स्केल भी श्रिंक कर जाएगी। अगर हमारा प्लान एक्सपेंड कर गया, ये स्केल भी क्या कर जाएगी? एक्सपेंड कर जाएगी। दिस स्केल विल ऑल्सो एक्सपेंड। तो दोनों चीजें पॉसिबल है, बोथ आर पॉसिबल। क्लियर? जूम करके, बिल्कुल सही बात है। वो जूम करके देखने के लिए बेटा पहले सेक्शन भी लेना पड़ेगा। तो जूम करके देखने के लिए और काम करने के लिए पहले फील्ड में जाके काम करना है, फील्ड में जाके काम करने के लिए पेपर भी क्लियर करना पड़ेगा पहले। तो अभी तो वो ही क्लियर नहीं हुआ हमसे। तुम तो फील्ड में जाके काम भी कर रहे हो मोबाइल से देख के, तो उसके लिए पहले पेपर भी तो निकालो। ये सब पुराने जमाने के मेथड हैं, एआई आ गया है, मैनुअली वर्क कम हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल सही बात है, तो एआई आ गया है, मैनुअली वर्क कम हो जाएगा। फॉर टेकिंग ऑफसेट विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर, अच्छा एक डाउट आया भाई, फॉर टेकिंग ऑफसेट विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन लाइन इट इज हेल्ड बाय लेफ्ट हैंड अपराइट। इस लाइन को बता दीजिए सर, आधा घंटा कहीं खा गई ये लाइन मेरी प्लीज। ये बेटा ऑप्टिकल स्क्वायर क्या होता है? ये ऑफसेट भी निकाला आपने, फिर ऑप्टिकल स्क्वायर भी यूज किया आपने, बहुत बढ़िया। इफ द लाइन श्रंक वी विल ऑलरेडी रिटर्न 1 सेंटीमीटर, देन हाउ वी विल से 0.8 सेंटीमीटर। बेटा ये तो मैंने लिख के बताया है, लाइन ए बी। वाह गजब, ये देखो यशस्वंत नाथ कुमार पेटा ने कितनी बढ़िया बात बताई कि सर इसके ऊपर तो 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। अरे 1 सेंटीमीटर मैंने लिख के बताया है, आई हैव रिटन 1 सेंटीमीटर, पर जब आप बनाओगे प्लान और मैप उसमें थोड़ी ना लिखा रहता है, उसमें तो नापना पड़ता है, वी हैव टू मेजर इट वैल्यू। तो मुझे तो उसको क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है, आई हैव टू मेजर इट। और ये अगर 1 सेंटीमीटर लिखा भी है तो इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो जब प्लान और मैप बनाते हैं, मैंने एक लाइन बना के दिखाई है, वो एक लाइन थोड़ी ना होती है, देर आर एन नंबर ऑफ लाइन्स विच विल बी देयर, और सबकी वैल्यू उसके ऊपर लिखी हुई नहीं मिलेगी आपको, वो आपको खुद मेजर करनी पड़ती है, यू हैव टू मेजर दैट। मेरे को बात समझानी थी इसलिए मैंने ये चीज लिखी। तो अगर आपके प्लान और मैप के ऊपर आपने ग्राफिकल स्केल बना रखी है, ग्राफिकल स्केल मतलब दिस इज दी स्केल, ये स्केल बनी होती है ऊपर, तो अगर आपने प्लान और मैप के ऊपर ये स्केल बना रखी है, ये स्केल बना रखी है, कहने का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस? लेट सपोज ये है 0, ये है 10, वैल्यू चल रही है सेंटीमीटर में, वैल्यू इज इन 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब आपने प्लान और मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाई है और डिनोट किया है कि ये लाइन कितनी है? 10 सेंटीमीटर की, दिस लाइन इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो आपको ये अपने प्लान के ऊपर बनाना पड़ेगा। अब आपने प्लान के ऊपर बनाया, लेट सपोज ये हमारा प्लान है, दिस इज अवर प्लान। अब अगर हमारा पेपर श्रिंक करता है, इफ दिस पेपर श्रिंक्स, तो मेरी स्केल भी क्या कर जाएगी? श्रिंक कर जाएगी, दिस स्केल विल ऑल्सो श्रिंक। अब मेरे को ये दूरी नापनी पड़ती है, लेट सपोज ये दूरी नापी, जब ये दूरी नापी ये निकल के आई 5 सेंटीमीटर की, ये दूरी नापी ये निकल के आई 3 सेंटीमीटर की, ये दूरी नापी ये निकल के आई 4 सेंटीमीटर की। मैप और प्लान में क्या अंतर है? मैप और प्लान में वही अंतर है जो एक टाइम पे आने वाले बच्चे के अंदर है और देर से आने वाले बच्चे के अंदर है। तो मैप वो बच्चा है जो टाइम पे आता है और क्लास को शुरू से लगाता है, प्लान वो बच्चा है जो बाद में आता है और बीच में आके उल्टे सीधे सवाल पूछता है जो शुरू में डिस्कस हो चुके हैं। तो मैप और प्लान में यह फर्क होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान। बाकी सब कुछ सेम है, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। चले चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। इज दिस कोर्स हेल्पफुल फॉर AEJEE? नहीं बेटा, AEJEE के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है ये। मैं आपको मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है,
वहां पर एडमिशन के लिए करा रहा हूं, तो AJEE ESE में ये वाला कोर्स आपको हेल्प नहीं करेगा, इट विल नॉट हेल्प देयर। तो अगर आपको MIT में एडमिशन लेना है तो वहीं के लिए हेल्पफुल रहेगा, इट इज हेल्पफुल फॉर दैट ओनली। चले आगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्राफिकल स्केल की। वी टॉक अबाउट ग्राफिकल स्केल। सो ग्राफिकल स्केल इज दैट स्केल, ग्राफिकल स्केल वो स्केल होती है जिसको हम किसके ऊपर बना देते हैं, हमारे प्लान और मैप के ऊपर बना देते हैं। वी मेक इट ऑन मैप और प्लान। अब कैसे बनाया, इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल है, ये हमारी ओरिजिनल स्केल है। ओरिजिनल स्केल एक्स विल बी मार्क्ड ऑन इट, एक्स मार्क्ड है इसके ऊपर। एक्स कितना है हमारा ओरिजिनल स्केल में, 10 सेंटीमीटर। अब हमारा प्लान और मैप क्या कर गया, अब हमारा प्लान और मैप श्रिंक कर गया, अब हमारा प्लान और मैप श्रिंक कर गया। जब प्लान और मैप श्रिंक कर गया, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये ओरिजिनली 10 सेंटीमीटर है, ये अब कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर हो गया, दिस इज 9 सेंटीमीटर। तो ये चीज हमने बना रखा है, दिस डिस्टेंस इज बीइंग फिक्स्ड ऑन द प्लान। सर प्लीज कंफर्म कर दीजिए, यही डाउट बना रहता है सबका कि किस किस के एग्जाम में कवर होगा। बेटा ये बताया तो है ना, ये सिर्फ MIT के एग्जाम के लिए है, AE के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, AJEE के लिए, और ESE के लिए भी आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वहां पे आपको ESE गेट के लिए प्लस पे पढ़ाया जाएगा और AJEE के लिए दूसरा सब्सक्रिप्शन है। ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये सिर्फ MIT के लिए। अब डाउट क्लियर है आपका, नाउ द डाउट इज क्लियर। तो AJEE के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन है और GATE ESE के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन है, दिस इज ओनली फॉर MIT, बस उसी का पेपर निकलेगा, इसके अलावा और कोई पेपर नहीं निकलेगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। सो ओरिजिनल स्केल एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, श्रंक स्केल वाई इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक की कहानी, चलो ये बात भी समझ में आती है, दिस पॉइंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड। अब जो मेरी ओरिजिनल स्केल थी, जो मेरी ओरिजिनल स्केल थी, ओरिजिनल स्केल को मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया, ओरिजिनल स्केल है x mm is equal to 10 meter, और x की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू एमएम में डालनी है तो एमएम में डाल दो, उसमें एमएम में डाली हुई है, तो एक्स की वैल्यू एमएम में डाल दी, तो एक्स की वैल्यू एमएम में डाल दी, ये 10 है और ये भी 9 है क्योंकि एमएम में लिखा हुआ है, ये हमारी ओरिजिनल स्केल है। कंटिन्यू रखिए, हाँ बिल्कुल कंटिन्यू कर रहा हूं। गेट का सब्सक्रिप्शन इतना कॉस्टली क्यों है, बेटा स्टील का गेट है ना, इसलिए अगर टिम्बर का होता तो सस्ता होता, क्योंकि वो गेट हम स्टील का बना रहे हैं इसलिए महंगा पड़ रहा है, प्लास्टिक का या टिम्बर का होता तो सस्ता पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी, ओरिजिनल स्केल की, वी वर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल स्केल। तो ओरिजिनल स्केल कितनी है, 10 mm is equal to 10 meter। तो हमारी जो AB वैल्यू है, AB वैल्यू किसके ऊपर, AB वैल्यू हमारी, AB वैल्यू प्लान के ऊपर कितनी आ रही है, 5x। जरा बताना ग्राउंड के ऊपर दूरी कितनी आएगी, ये मेरी ओरिजिनल स्केल है, ओरिजिनल स्केल पे मैंने x बता दिया आपको, ओरिजिनल स्केल है 10 mm is equal to 10 meter, हमारे प्लान के ऊपर AB इज 5x, AB हमारा 5x है। अगर AB हमारा 5x है तो इसका मतलब फील्ड में AB की दूरी कितनी होगी, इट विल कम आउट टू बी हाउ मच, 5x मतलब 50 meter। सो ऑन ग्राउंड ये कितना हो जाएगा, 50 meter हो जाएगा, इट विल बी 50 meter। क्लियर है पूरी कहानी, चलो ठीक है, दिस इज इक्वल टू 50 meter, समझ में आती है। अब हमारी श्रंक स्केल, श्रंक स्केल क्या है, स्केल आपकी श्रंक कर गई, आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या बोलोगे, नाउ यू विल से 9 mm, अब आप बोलोगे 9 mm किसके बराबर है, 10 meter के बराबर है। तो अब आपका पेपर श्रंक कर गया, आपने बोला कि 9 mm 10 meter के बराबर है, तो आपकी ये वाली लाइन भी क्या कर जाएगी, श्रंक कर जाएगी। तो A'B' हो गई, पहले AB थी अब A'B' हो गई। आप जब इसको नापोगे कितना आएगा, 5y आएगा, और 5y कितना बना, 5y comes out to be how much? तो y की वैल्यू y mm is equal to 10 meter, तो 5y कितना निकल के आएगा, 45 निकल के आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, 5y mm 10 मीटर के बराबर है ना, 5y बोल रहा हूं कितना होगा, अच्छा y हमारा 10 मीटर है तो 5y कितना बनेगा, 45 बनेगा। बहुत बढ़िया, कौन कौन है पकड़ो इनको, निरंजन, सौरभ, श्याम, अक्षय, बहुत बढ़िया बात है, विवेक एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, अगर y हमारी 10 मीटर है तो 5y इज हाउ मच, 45 मीटर। गजब। अरे भैया y अगर 10 मीटर है तो 5y कितना हो जाएगा, 50 मीटर ही तो होगा,
इसका मतलब ये है कि अगर मैंने श्रंक स्केल बनाई, अगर ये श्रंक स्केल बनाई है, मेरे को कोई भी मॉडिफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली मेजरमेंट करके, एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हो। तो ग्राफिकल स्केल का फायदा क्या होता है, ये ग्राफिकल स्केल का फायदा क्या मिला, ग्राफिकल स्केल का फायदा ये मिला कि कोई भी मॉडिफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, देयर इज नो नीड टू कैरी आउट द मॉडिफिकेशन। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन। हाँ, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ी, पर अगर आप ये ग्राफिकल स्केल नहीं बनाते तो आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती। जैसे एग्जाम्पल, मैं ये नहीं बनाता, इफ दिस वुड हैव बीन नॉट ड्रॉन, अगर मैं ये नहीं बनाता, अब जरा चेक करते हैं हमारे पेपर के ऊपर ओरिजिनली ये कितना दिखता, हमारे पेपर के ऊपर ये ओरिजिनली कितनी होती, हमारे पेपर के ऊपर ये ओरिजिनली कितनी होती, 5x है, 5x कितना बना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x, हमारे पेपर के ऊपर ये कितना दिखता आपको, हमारे पेपर के ऊपर ये दिखता 50 mm। तो अगर मैं इसकी ओरिजिनल प्लान पकड़ता, बेटा पेपर के ऊपर लिख, पेपर के ऊपर कितना दिखता 50 mm, तो x mm लिखा हुआ है, x की वैल्यू है 10 और 5 × 10 50 mm, तो आपको पेपर के ऊपर दिखता 50 mm। आपने ग्राफिकल स्केल नहीं बनाई, जब आप ग्राफिकल स्केल नहीं बनाओगे और ये श्रिंक कर गया, श्रिंक करने के बाद आपको ये कितना दिखेगा, श्रिंक करने के बाद आपको ये कितना दिखेगा, मैंने श्रिंकेज बता रखी थी पहले आपको, श्रिंकेज कितनी हुई है, तो जो 10 mm वाली लाइन है वो श्रिंक होके 9 mm की हो गई, तो 50 mm वाली लाइन है ये श्रिंक होके कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 45 mm, तो इट विल बिकम 45 mm। अब अगर आप श्रंक स्केल यूज नहीं करते, आप AB को ग्राउंड के ऊपर कितना बता देते, आप तो ये वाली स्केल यूज करते, आप स्केल यूज करते कि 10 mm इज इक्वल टू 10 मीटर, 45 mm इज इक्वल टू हाउ मच, 45 मीटर। आप AB की दूरी कितनी बता देते ग्राउंड पे, आप ग्राउंड पे AB की दूरी बता देते 45 मीटर, पर जब मैंने श्रंक स्केल बना रखी थी हमने एग्जैक्ट वैल्यू बताई 50 मीटर की। तो ये एडवांटेज होता है श्रंक स्केल का। श्रंक और ग्राफिकल स्केल सेम चीज है भाई, अलग अलग चीज है। श्रंक स्केल का मतलब यह है कि आपकी स्केल श्रंक हो गई है। बहुत बढ़िया, ये हर्षुल को भी यही डाउट है। अरे भाई श्रंक स्केल क्या है, श्रंक स्केल को समझने के लिए मैंने एक पेज ऐड किया, ये हमारी बोल रहे श्रंक स्केल ग्राफिकल स्केल सेम चीज है क्या, इस बात को समझने के लिए ये हमारा प्लान है, दिस इज द प्लान, ये मैंने स्केल बना रखी है हमारे प्लान के ऊपर, ये 0 है, ये 10 mm, तो मैंने बोला ये लाइन 10 mm की है, दिस लाइन इज ऑफ 10 mm। अब ये पेज श्रंक हो गया, अब ये पेज श्रिंक हुआ, आधी बात तो समझ में नहीं आती, बस बकैती करनी होती है। ये पेज श्रिंक हो गया, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 mm ही लिखा हुआ है। जब मैंने इसको नापा, ये 10 mm ही निकल के आया। 2 साल बाद जब मैंने इसको नापा, ये निकल के कितना आया, 9 mm निकल के आया। इसका मतलब श्रिंकेज हो गई है। तो ये हमारी ग्राफिकल स्केल है, पर श्रिंकेज के बाद जो ग्राफिकल स्केल है उसको मैंने नाम क्या दे दिया, उसको मैंने नाम दे दिया श्रंक स्केल का। क्लियर है चीज, तो इसीलिए समझना पड़ता है चीजों को, इधर उधर कमेंट डालने से, बकैदी करने से बात समझ में नहीं आएगी। तो ये ग्राफिकल स्केल है, दिस इज ग्राफिकल स्केल। तो अगर मैं ये स्केल नहीं बनाता प्लान के ऊपर, तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कितनी श्रिंकेज हुई है, हाउ मच ऑफ श्रिंकेज हैज टेकन प्लेस। तो इसका मतलब 10 mm की लाइन अब कितनी हो गई है, 9 mm की हो गई है। इसका मतलब बाकी जितनी भी लाइनें हैं उनमें भी तो इतना ही श्रिंकेज हुआ है, तो बाकी जितनी भी लाइनें हैं उनमें भी सेम श्रिंकेज हुई है, दे हैव ऑल्सो अंडरगोन द सेम श्रिंकेज। क्लियर है पूरी कहानी, चले आप। तो तीसरे तरह की स्केल आ गई हमारी ग्राफिकल स्केल, तो थर्ड टाइप ऑफ स्केल इज नोन एज ग्राफिकल स्केल। तो मेरी ओरिजिनल स्केल क्या थी, व्हाट वाज माय ओरिजिनल स्केल, माय ओरिजिनल स्केल वाज x/1000। मेरी श्रंक स्केल कितनी हो गई, y/1000। ये आपको कैसे पता चली, क्योंकि आपने ग्राफिकली स्केल को बना रखा था, यू हैव कंस्ट्रक्टेड द ग्राफिकल स्केल। अब यहां पर हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं, टर्म क्या है हमारा, श्रिंकेज रेशियो या श्रिंकेज फैक्टर। वी डिफाइन अ टर्म व्हिच इज टर्म्ड एज श्रिंकेज रेशियो और श्रिंकेज फैक्टर। अब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ श्रंक लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ।
तो हम बोल सकते हैं श्रिंकेज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ श्रंक लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो श्रंक लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज व्हाट, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं श्रंक रेशियो या श्रंक फैक्टर, दोनों का मतलब सेम है, बोथ हैव वन एंड द सेम थिंग। तो अगर मुझे श्रंक फैक्टर निकालना है, श्रंक लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू y बाय x, ये y बाय x के बराबर आ गई। y बाय x, y क्या थी हमारी, y थी हमारी श्रंक स्केल और x क्या है हमारी ओरिजिनल स्केल, सो दिस इज ओरिजिनल स्केल, सही है, सो दिस इज ओरिजिनल स्केल। तो एक है हमारी श्रंक स्केल और एक है हमारी ओरिजिनल स्केल, क्लियर है। तो पिछले वाले एग्जाम्पल में श्रंक लेंथ 9/10, बिल्कुल सही बात है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अवर श्रंक फैक्टर विल बिकम 9/10, श्रंक फैक्टर हमारा 9/10 हो जाता। तो जो श्रंक फैक्टर है वो रेशियो है श्रंक लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, श्रंक स्केल टू द ओरिजिनल स्केल, क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अब मैं आपको पीडीएफ कहां मिलेगा बेटा, ये पीडीएफ मैं खुद देने आता हूं घर पे। तो इस जो आपका वीडियो चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप अपना एड्रेस डालना, मैं आपको खुद डिलीवर करने आऊंगा घर पे। तो नीचे एक लिंक दिया हुआ है, उसमें फॉर्म है, उस फॉर्म में अपना एड्रेस भर देना आप। ऐसे ही सेम एक्सटेंडेड स्केल का हो जाएगा। हाँ चलो, क्लियर है पूरी कहानी यहां पे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, अब मुझे क्या करना है, नाउ व्हाट इज टू बी डन, अब मुझे करेक्ट दूरी नापनी है। अब करेक्ट दूरी कैसे नापूंगा, हाउ आई विल मेजर द करेक्ट डिस्टेंस, इस बात को भी समझते हैं, करेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। अगर मुझे करेक्ट डिस्टेंस मेजर करनी है, इफ आई हैव टू मेजर द करेक्ट डिस्टेंस, यही तो है हमारी करेक्ट डिस्टेंस, हाउ यू विल मेजर द करेक्ट डिस्टेंस, तो करेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, करेक्ट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू श्रंक डिस्टेंस डिवाइड बाय व्हाट, श्रिंकेज फैक्टर। तो अगर आपको करेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, श्रंक लेंथ डिवाइड बाय द श्रिंकेज फैक्टर, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, क्या बोल रहे भाई, श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल, ये क्या बोले जा रहे हो, इट इज इक्वल टू श्रंक लेंथ डिवाइड बाय व्हाट, श्रिंकेज फैक्टर, जो श्रंक लेंथ है उसको डिवाइड कर दो श्रिंकेज फैक्टर से। उसी तरीके से अगर आपको करेक्ट एरिया निकालना है, इट विल बी इक्वल टू श्रंक एरिया डिवाइड बाय श्रिंकेज फैक्टर का होल स्क्वायर। फॉर श्रिंकेज स्केल के लिए, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इग्नोर कर दीजिए सब टी लवर, ठीक है भाई, इग्नोर कर देते हैं। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का मैराथन, हाँ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी का मैराथन कल से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम टुमारो आई बी स्टार्टिंग विद द इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। चलिए बाकी अब कल की क्लास में करते हैं। अच्छा इसके बाद एक और क्लास है आपकी एएमए की, देयर इज वन मोर क्लास ऑफ एएमए, यू कैन जॉइन ऑल दिस क्लास, इसके बाद ज्वाइन कर सकते हो आप उस क्लास को। सच में स्टार्ट हो रहा है, हाँ बिल्कुल सच में स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल सच में स्टार्ट हो रहा है। सर मजाक क्यों कर रहे हो, बेटा मजाक तो आपने स्टार्ट किया, मैंने थोड़ी स्टार्ट किया मजाक, मजाक आपने स्टार्ट करी तो मैंने भी मजाक में पार्टिसिपेट कर दिया। मतलब आप मजाक करो तो ठीक है, मैं मजाक करूं तो फिर सर सच में पढ़ा रहे हो, यह कैसी बात हो गई, आपने भी तो मजाक किया तो फिर मैंने ही मजाक कर दिया, तो मजाक मजाक चल रहा है बस। तो जैसे आपने मजाक किया वैसे मैंने मजाक कर दिया। एएमए अभी 7 बजे से, एएमए इज फ्रॉम 7 o'clock। चलो चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। हाँ बिल्कुल सही बात है, देखो रमित क्या बोल रहा, मजाक मजाक कैंसिल हो गया तो दोनों का मजाक संकल हो गया। एएमए क्या है, करेक्ट एरिया ऑन द मैप और ग्राउंड में कितना एरिया होगा वो कैसे निकलेगा सर बता दीजिए,
सेम अभी लिखा तो है करेक्ट एरिया, सो दिस इज द करेक्ट एरिया. करेक्ट एरिया ऑन द ग्राउंड इज इक्वल टू एरिया विच इज मेजर्ड ऑन द प्लान, कौन सी श्रंक प्लान, डिवाइड बाय द श्रंक फैक्टर का होल स्क्वायर. ये हमारा करेक्ट एरिया निकल के आ जाएगा, दिस इज अवर करेक्ट एरिया. चलिए थैंक यू एवरीवन, अभी दूसरी क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं.